नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। मैं बिंदु पात्रा और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों से महागठबंधन की सरकार हुई तय, बीजेपी को मिला करारा झटका। पूर्व विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री रघुवर दास को पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने दिलाई करारी हार। और परसुंडी थाना अंतर्गत पंकज कुमार हत्याकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन, मुख्य आरोपी राजेंद्र महतो समेत दो अन्य गिरफ्तार। और आज खबरों की शुरुआत करेंगे राज्य की राजनीति से। जी हां, जहां इस विधानसभा चुनाव में सुबह से ही राज्य में यूपीए की बढ़त देखी गई और यह तय हो चुका है कि अब राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस यानी कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। पूरे राज्य में सुबह से ही रुझान महागठबंधन की ओर इशारा कर रहा था, जहां महागठबंधन की जीत को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई दिया। और अगर हम पूरे कुल्हान क्षेत्र की बात करें तो जुगसलाई से मंगल कालिंदी, बहरागोड़ा से समीर मोहंती, पोटका से संजीव सरदार, घाटशिला से रामदास सोरेन और पश्चिमी से बन्ना गुप्ता जीत दर्ज कर चुके हैं। तो आइए इस दौरान कार्यकर्ताओं में किस तरह का जोश रहा और किस तरह से समर्थकों ने अपनी खुशी का इजहार किया देखते हैं। समर्थकों की खुशी की। और अब एक नजर करते हैं ऐसी खबर की ओर जिस पर पूरी जनता की निगाहें टिकी हुई थी। जी हां, सीधी टक्कर जहां पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री को दी थी और इन्होंने यहां से जीत दर्ज भी कर ली है और सरयू राय ने इस जीत को जनता का जीत करा दिया। नमस्कार, मैं हूं इंदु पात्रा, आप देख रहे हैं बिग न्यूज़। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज झारखंड के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और जनता किस तरह से नाखुश है या खुश है ये तो कुछ घंटों के बाद ही आपको पता भी चल जाएगा, क्योंकि ऐतिहासिक दिन जिस तरह से आप भी जानते हैं। तो आज अभी हम मौजूद हैं कोऑपरेटिव कॉलेज स्थित स्ट्रॉन्ग रूम के परिसर में और यहाँ हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं
पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय के समर्थक। तो जी आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत ही खुशी, ये इजहार नहीं कर सकते इतना। आज आंख में आंसू आ जा रही है कि जो जिंदगी भर बीजेपी का सेवा किया हमारे राय जी, उनको बदनाम किया गया, और आज वह सच्चाई के लिए आवाज उठाए, और आज सही न्याय में हुआ है कि ये रघुबर दास से गोबर दास क्या नहीं किए, झारखंड को खत्म कर दिए। यानी आपको लगता है कि सचमुच में जनता जो है वो परिवर्तन चाहती है? जी आप बोलिए। भारतीय जनता पार्टी को खराब करने में सबसे बड़ा 65% का जो आंकड़ा है उसको पीछे करने में सबसे बड़ा हाथ रघुबर दास जी का है। इसका परिणाम हमारे नामी प्रत्याशी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नामी प्रत्याशी समीर महंती जी को टिकट नहीं देके कुणाल सारंगी को टिकट देके ये परिणाम साबित कर दिया कि 65% का आंकड़ा कैसे पीछे किया जाता है। और प्लस उसके बाद हमारे ईमानदार नेता प्रत्याशी सरयू राय जी को पश्चिम से ना टिकट देके ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी को पीछे करने में किसका हाथ है। अब अगर नरेंद्र मोदी जी को सबक ना मिले तो आने वाले फ्यूचर में भाजपा की जो भी कमान है वो सारे समाप्त हो जाएगी झारखंड से। और अगर भाजपा खत्म हो रही है आज 2014 में हमारे सरयू राय जी मुख्यमंत्री होते तो आज 65% नहीं 81% का आंकड़ा तय करते। तो अब भी समय है, आपने बढ़त बनाए हुए हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब लगता है कि रुझान हम लोग के पक्ष में आ रहा है, और अब जितने भी चरण की घोषणाएं होंगी उसमें हम लोग की जो बढ़त है उसमें इजाफा होगा। यानी कि जनता जो है पूरे मूड में है और ये पूर्वी में परिवर्तन दिख रहा है? नहीं, जनता के इस मूड को हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे कार्यकर्ता रहे हैं, वो सब पहले से भाप चुके थे, ये सब कहते थे ऐसा ही होगा। मैं थोड़ा असमंजस में रहता था तो इन्होंने आज मेरा असमंजस दूर कर दिया है। सरयू राय जिंदाबाद, सरयू राय जिंदाबाद, सरयू राय जिंदाबाद, लंगर छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सरयू राय जिंदाबाद, जिंदाबाद। और अब बात अन्य खबर की ओर। जमशेदपुर के परसुड़ी थाना अंतर्गत पंकज कुमार राय हत्याकांड का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी राजेंद्र महतो व उसके अन्य दो सहयोगियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। 21 दिसंबर को पंकज राय के परिजनों ने परसुड़ी थाने में अज्ञात अपराधियों द्वारा पंकज राय का अपहरण कर 5 लाख रुपए फिरौती मांगने का मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में विधि व्यवस्था DSP आलोक रंजन के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन कर प्रोफेशनल तरीके से उद्भेदन करते हुए कांड में संलिप्त परसुड़ी निवासी राजेंद्र महतो उर्फ टिंकू व उसके बयान पर कांड में संलिप्त छायानगर निवासी सूरज शर्मा एवं सुखराम सामंत को गिरफ्तार किया है। घटनास्थल से पुलिस ने मृतक के मोबाइल, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं पत्थर, प्लास्टिक, रस्सी, शराब की बोतल व खून से सना जींस भी बरामद किया है। संबंध में जानकारी देते हुए विधि व्यवस्था DSP आलोक रंजन ने बताया है कि मृतक द्वारा राजेंद्र महतो से पैसे की लेन देन की गई थी, जहां पैसा मांगने पर लगातार मृतक द्वारा टालम टोल किया जा रहा था। तत्पश्चात अभियुक्त राजेंद्र महतो ने अपहरण की रणनीति बनाई और पकड़ाने के डर से जादूगोड़ा खैर बनी के पास पंकज राय की पत्थर से कुचल कर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अंतर्गत एक मामला आया था शुक्रवार को 20 तारीख को 8:30 बजे शाम में। ये बताया गया था कि एक व्यक्ति के परिजन को, जिसका नाम पंकज राय है, उसे एक वीडियो कॉल के द्वारा उनके परिजन को बताया गया कि 5 लाख का डिमांड किया गया है, जो पंकज राय के मोबाइल के द्वारा ही माध्यम से किया गया था। बाद में ये लोग 8:30 बजे परसुटी थाना में आकर के इस चीज़ का रिपोर्ट किए कि एक व्यक्ति है जो कि पंकज राय के मोबाइल से इन लोगों से 5 लाख रुपया, पंकज राय के परिजन से 5 लाख रुपया का डिमांड कर रहा है। उसके बाद परसुड़ी पुलिस ने प्रोफेशनली काम करते हुए एक टीम का गठन किया और सारी खोजबीन की, तो उसमें पंकज राय को मृत अवस्था में पाया गया। और आगे अनुसंधान में उसके 3 मित्र, जो राजेंद्र महतो उर्फ टिंकू महतो, सूरज शर्मा, तीसरा सुखराम सामत उर्फ घुंगरू, को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इन्होंने स्वीकार किया है कि इन लोगों के द्वारा इसकी हत्या की गई है पत्थर से मार करके। इन तीनों के द्वारा जो है इसको पैसा दिया गया था पंकज राय को,
और बार बार पंकज राय के द्वारा जब मांगा जाता था पैसा तो ये टाल मटोल करता था। तो इन तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया था कि इसे बुला करके एक जगह पे फिर पैसा का डिमांड करेंगे इसके फैमिली से ही, और पकड़ाने के डर से इसकी हत्या कर दी गई। सर किस जगह पर हत्या की गई थी? ये खैरबनी कनाल है जो जादूगढ़ थाना अंतर्गत आता है वहाँ पर। अनुसंधान के क्रम में और कुछ लोग सहयोगी जो इसके साथ है कि यही तीनों? अभी तो यही तीनों है। इससे पूर्व कुछ आपराधिक चरित्र इनका? इनका पूर्व में कुछ ऐसा आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। हाथ पे बांधा गया था? हाँ, रस्सी से बांध दिया गया था इसका हाथ पे। क्यों बांधा? भागने के पहले या बाद में? वो एक दिखाने के लिए कि हाँ कि इसको हम लोग पकड़ गिरफ्त में रखे हैं, पैसा जल्दी लाओ, परिवार पे दबाव बनाने के लिए, क्योंकि ये लोग वीडियो कॉल से परिवार से बात करवा रहे थे। अच्छा, अभियुक्त और जो मृतक है उनका मित्रता मतलब सहयोग दोनों? सभी साथी थे, पूर्व परिचित थे सभी। शराब लोगों ने कहाँ कहाँ पी थी? शराब ये लोग वहीं पे खैरवनी कनाल के पास ही एक खेत में जो धरझारी नुमा था वहीं पे पिया था। और एक जगह। और अब चलते चलते एक नजर अब तक के सुर्खियों पर। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों से महागठबंधन की सरकार हुई तय, बीजेपी को मिला करारा झटका। पूर्व विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री रघुवर दास को पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने दिलाई करारी हार। और परसुंडी थाना अंतर्गत पंकज कुमार हत्याकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन, मुख्य आरोपी राजेंद्र महतो समेत दो अन्य गिरफ्तार। इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।